चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। जीता हूं मैं बस तेरे लिए, आगे नहीं आता बट देवियों और सज्जनों, मुझे बहुत अच्छे दिल से तुमको बताना पड़ रहा है कि कल चैंपियंस लीग की नंगी रात का फाइनल है, लिवरपूल वर्सेस मैड्रिड। ये मैड्रिड कैसे पहुंच गई बहनचोद, बट जो भी है ये फाइनल हो रहा है, पेरिस में हो रहा है, पाक दे प्रांस में नहीं हो रहा, स्टाद दे रेन जो भी साउथ देनी में जहां भी हो रहा है पेरिस में हो रहा है, वहां पे प्रॉपर लोग होंगे। ये गेम है यूरोपियन रॉयल्टी की, इन दोनों में मिला के 19 चैंपियंस लीग में 13 मैड्रिड की। ऑब्वियसली अगर मैड्रिड जीते तो 14 हो जाएंगी, अगर लिवरपूल जीते तो 7 हो जाएंगी, जितनी मिलान की है। इट्स क्रेजी, ये फाइनल इतना हरामी फाइनल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस फाइनल में इतने नैरेटिव्स हैं, तुम एक नैरेटिव देखो पेरेस वर्सेस सेफरिन का, जो पेरेस सुपर डिवाली बकचोदी, व्हिच इज अब सेफरिन जो यूएफए का प्रेसिडेंट है, यूएफए का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, नासर भड़वा खलीफी, वो दोनों वहां पे मौजूद होंगे, वहां पे वो लॉन्च में बैठेंगे, प्रॉपर डिनर विनर मारेंगे, कढ़ाई चाप पे लेंगे, वो सब बकचोदी करेंगे। वहां पे पेरेस भी बैठा होगा, सुपर लीग की लड़ाइयां चल रही थी, उनको हैंडशेक करने पड़ेंगे, वो कितने कंटेम्प्रेरी होंगे, कितनी बकचोदी है वो। सेफरिन बोल रहा है कि मैड्रिड चैंपियंस लीग में पहुंच गई, इट जस्ट शोज कि यूएफए कितनी प्योर है, वरना यूएफए किक कर देते मैड्रिड को, मैड्रिड जैसे एक भड़वे क्लब को जिसका प्रेसिडेंट इतनी बकचोदी कर रहा है अगेंस्ट यूएफए, वो सुपर लीग फॉर्म कर रही है। खैर एक ये नैरेटिव है जिसकी पता नहीं हरकतें चल रही हैं, साला ये साला मानेगा नहीं, ओ साला मानेगा नहीं, ये मुझे पता नहीं था, साला का नैरेटिव है, उसको रिवेंज लेना, पता नहीं क्या बक्स उसके हाथ तोड़ दिया था पता नहीं किसने, अब रामोस भी नहीं है यार, कौन तोड़ेगा हाथ यार मैड्रिड नाइस तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि फाइनल में तुमको कंट बनना पड़ता है। जब रामोस ने हाथ तोड़ा था साला का, तो चिलिनी ने बोला था 2020 में कि अच्छा करा उसने, दिस वॉज द स्मार्ट मूव, पूरी गेम चेंज हो गई। अगर तुम फाइनल देखो 2018 का, लिवरपूल ले रही थी, और पता कब ले रही थी, जब भी साला के पास बॉल थी ले रही थी, साला के पास बॉल आ रही है ट्रेंट निकल रहा है, साला के पास बॉल आ रही है माने को बॉल डल रही है, साला ने ले ली थी, रामोस ने रिकॉग्नाइज करा एंड आई थिंक इट वॉज इंटेंशनल। तुम ऐसे लॉक लगा के नहीं गिर सकते, उसने लिटरली एक कोबरा मार दिया बहन से, उसको जूडो मूव कर दिया, उसके बिल्कुल हाथ वाथ तोड़ दिया। ऑब्वियसली अभी तक उसका रिवेंज माइंड सेट में लिवरपूल फैंस की भी होगा, वो आगे बढ़ते उन चीजों से काफी, मिलर ने यह करा था तो क्या करें इसका, उसका क्या करें, उसके बाद काशिमिर ने कर दी, ये चीजें चलती रहती है, कम ऑन आगे बढ़ते हैं। आई नो ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, साला की काफी बुरी रात थी, दोस्त ने फोटो खिंचवाई नमक वाले भाई के साथ, वो सब बकचोदी भी काफी हुई थी, आई नो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था। और कौन से नैरेटिव है भाई, क्लॉप जब आया था बर्नबाउ, जब आया था अपना अल्फ्रेडो डी स्टेफानो स्टेडियम में, तो वहां की बेइज्जती कर रहा था कि कौन सा फ्रेंडली खेल रहे हैं, क्लॉप तो लेजिट भाई, क्लॉप तो लिटरली कति आया था रॉयल्टी से कि भाई हमें तो अच्छा है भाई, बर्नबाउ कहां है, ये कौन सा छोटा क्लब है, कौन सा छोटा फ्रेंडली है, तो उसने प्रॉपर अगेन ये चीजें मैं डिक कर रहा हूं, ऑब्वियसली मुझे पता नहीं इसकी मान्यता क्या है इस फाइनल में, बट आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता यार, लिवरपूल पीट देगी यार, मुझे तो ये फील आ रही है, मजाक नहीं कर रहा, मैं एज अ मैड्रिड फैन नहीं बोल रहा है, तुम एक पॉइंट से प्रीमियर लीग हारे, तुम 63 गेम्स खेलोगे एक सीजन में, मैक्सिमम उतनी गेम्स ही होती हैं, आई थिंक लिवरपूल ने 2015 में 63 गेम्स खेले थे, वो यूरोपा लीग फाइनल गए थे, फ्रॉम नॉट रॉन्ग मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, एंड तब उनकी बुंड मर गई थी, क्योंकि तब उस टाइम पे अल्बर्टो मोरेनो जैसे प्लेयर्स थे वो सब बकचोदी, ठीक है गंदे गंदे प्लेयर्स थे, अब प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट पता नहीं न्यूरो साइंस कहां से यूज कर ली उन्होंने, उनकी स्पोर्ट्स साइंस आगे बढ़ गई, उनके पास गोल थ्रोइंग गोल कोचेज हैं, उनके पास 3 गोल कीपिंग कोचेज हैं, किसी क्लब के पास 3 गोल कीपिंग कोचेज नहीं है, वो क्लब एडवांस हो चुका है। काफी डिबेट चल रही बड़ी फालतू से कि किसके पास मोमेंटम है, किस लिवरपूल के पास जो अभी तक पिटके आ रही है लाइक प्रॉपर प्रीमियर लीग लड़ रही है, या फिर मैड्रिड जो 3 हफ्ते से रेस्ट कर रही है प्रॉपर, वो ला लीगा जीत चुकी है, ऑब्वियसली लिवरपूल, लिवरपूल एडवांटेज, नॉट इवन जिंक्सिंग इट भाई, वो मोमेंटम में, यू कांट रिकवरी इंपॉर्टेंट है, आई नो फाबिनियो थियागो, आई नो सब, आई नो दैट ऑब्वियसली वैन डाइक में भी, बट अगर तुम एक ऐसे मोमेंटम में जहां पे तुम हारे हो, आई नो थोड़े मेंटली तुम चुप चुके हो, तुम प्रीमियर लीग हार गए जीत के गेम ऑब्वियसली, बट हफ्ते का ब्रेक है, क्लब खुद भौंक रहा था कि मुझे 3 हफ्ते का ब्रेक नहीं चाहिए, आई वुड प्रेफर एक हफ्ते का ब्रेक जहां पर मोमेंटम में हो, हम जीत रहे हैं, हमको पता हम 62 गेम्स खेल चुके हैं, उनमें से हम 3 हारे हैं, आर यू किडिंग मी, दिस इज द बेस्ट टीम इन यूरोप, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप अपार्ट फ्रॉम सिटी, या फिर उनके बराबर, ये टीम क्रेजी है, इनकी डेप्थ,
इज क्रेजी, इनकी डेप्थ इज प्रिपेयर्ड टू विन द चैंपियंस लीग फाइनल। बेंच पे लुइस दियास, माने, जोटा, भेंचुको सब बुला लेंगे यार, ये पीट देंगे भाई। और इनमें गुस्सा है, इनमें रिवेंज है, इनमें इंटेंसिटी है, एंड मैड्रिड में रामोस नहीं है। इन बड़ी गेम्स में मुझे यही डाउट होता है कि एक चिलिनी जैसा भड़वा होना चाहिए। अगर चिलिनी ने बुकायो साका की गुद्दी ना पकड़ी होती तो वो इटली ना जीतती। आई नो वो एक ही डिटेल है, ऑब्वियसली काफी डिटेल्स होती हैं, बट ये भड़वागिरी चाहिए होती है। काश्मीरो सुन रहा है, गुद्दी पकड़ लियो, हाथ वाथ लॉक कर दियो कती, ये इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट टॉकिंग कि डर्टी हो जाओ, बट समझ रहे वो गेम मैनेजमेंट कब वो करना, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू विन। तुम्हें किसी को प्लीज नहीं करना कि हमें अट्रैक्टिव या फिर तुम्हें जीतना मां के चूत। एंड नॉट इट हमेशा एक ऐसा क्लब रहा है, चाहे 1998 में जब यूवेंटस को रहा था, 99 में सेप्टिमो जीतने के लिए, जब नोवेना जीता था बायर लेवरकुसन वाला, उसमें मियाटोविच, गंदी गंदी गेम्स थी। लाइक मैड्रिड बिल्कुल डोमिनेट नहीं करती कभी ना, मैड्रिड लालीगा वालीगा बहुत डोमिनेट करके आती, नहीं नहीं मैड्रिड 2015 में लालीगा पिट रही थी, 16 में जो भी है, जब उनदसीमा था, जब लुकास वास्केज ने पेनल्टी मारी थी, वो पेनल्टी शूट आउट जीत गई बकचोदी करके। क्या गेम डोमिनेट करी थी? नहीं, सेकंड हाफ में एटलेटिको ने ले ली थी। तो मैड्रिड तो डोमिनेट लौड़ा नहीं करेगी गेम को, मैं बता सकता हूँ अच्छी तरह। मैड्रिड वॉन्ट गो ऑन एंड प्रॉपर, वो इम्पॉसिबल है, मे बी बॉल रखना वो सब बकचोदी, हम उन चीजों पर आते हैं टैक्टिकल पे, बट मैं कहां से स्टार्ट करूं मुझे पता नहीं है, मेरी फट रही है। हम कहां से स्टार्ट करें? सबसे पहले मेन डिबेट से स्टार्ट करते हैं, काफी लोग इसको काफी कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अरे भाई क्लब क्या कहते हैं, ट्रेंट वर्सेस विनी होगा? ट्रेंट वर्सेस विनी नहीं होगा, आई डोंट बिलीव इट। ये कौन सा नैरेटिव है? जो पिछली गेम थी, मैंने तीनों गेम देखी जो पिछले साल की थी, अल्फ्रेडो डी स्टेफानो में, लिवरपूल में ऑब्वियसली, एंड 2018 फाइनल, मैंने तीनों देखी। पिछले साल जब जिडान वाला हुआ था ऑब्वियसली गेम, जिडान मैनेजर था, मैड्रिड ने कुत्तों की तरह प्रेस करा। क्यों? बैकलाइन पर नेट फिलिप्स और ओजन का बाग थे, लैंड प्लेयर्स थे, तो इनको प्रेस करो, इन पर प्रेशर डालो, ये बॉल लूज करेंगे, वो सब बच देना। इट वॉज इट मेड सेंस, प्रॉपर मैन ओरिएंटेड जोनल प्रॉपर मिक्स करके प्रेसिंग करी, उनको एक जगह फोर्स करा, मिस्टेक्स फोर्स करी। लिवरपूल कुछ लॉन्ग बॉल भी फोर्स नहीं कर पाई, मिलिता और वो सब रामोस काफी मिलिता वरन काफी भड़वे थे, वो सब चीजें, मेंडी की रिकवरी, वो सब चीजें। एंड मैड्रिड प्रॉपर डोमिनेट कर रही है, मैड्रिड प्रॉपर फुल बैक्स को आगे कर रही है, ताकि रसाला पे, माने पे, इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए पीछे जाने की। ये रिस्क है, अगर बॉल लूज के तो पीछे स्पेस है, बट मैड्रिड ने रिस्क लिया। मैड्रिड कति ऑफेंसिव थी, विनीशियस वाला जो ड्यूल है, विनीशियस इन स्पेसेस में था। जब हम डिफेंड करते हैं, लिवरपूल डिफेंड पता कैसे करती है? बॉल ओरिएंटेड, वो डिफेंड करती नहीं मैन टू मैन, वो नहीं देखेगी ट्रेंट, नहीं देखेगा विनीशियस को। अगर बॉल लेफ्ट पे तो ट्रेंट ऐसे होगा, तो ट्रेंट तो अटक करे ना, विनीशियस तो गुद्दे के पीछे खड़ा है काउंटर्स के लिए, फिर जो एस्केप ऑप्शन के लिए। तो ट्रेंट वर्सेस विनी कहां से? यहां फबिनियो आ रहा है, फबिनियो वर्सेस विनी हो रहा है, ये तो मैं मानता नहीं। आई थिंक लिवरपूल इज नॉट अ टीम जो मैन ओरिएंटेड देखेगी, नहीं भाई ट्रेंट तेरा बंदा है वो, नहीं। हाँ सर्टन फेज में ट्रेंट वर्सेस विनीशियस होगा ऑब्वियसली, बट बॉल ओरिएंटेड एक जगह होगी बॉल, विनीशियस एक जगह पे होगा, ट्रेंट एक जगह स्क्वीज कर रहा होगा, ये स्पेस स्क्वीज करते हैं। कौन सा था वो जो टैक्टिकल वो करा था, क्या कहते हैं, पेप लाइंडर्स ने जो उसका असिस्टेंट कोच है, कि वी आर द चेजर्स, में भूल गया वर्ड, कौन सा वर्ड था, कि वी हम बॉल जीतते हैं टू नॉट फोर्स देम इन अ सर्टन डायरेक्शन, हम प्रेस इसलिए करते ताकि हम बॉल जीते और गोल मारे। काउंटर प्रेसिंग, जजिंग प्रेसिंग उनके लिए एक असिस्ट है, उसने बोला था क्लॉप ने कि दिस इज द बेस्ट असिस्ट फॉर मी, जितना हम हाई आगे बॉल जीतेंगे वो इंपॉर्टेंट, बॉल चेजर्स जो भी उसने बोला था वर्ड। तो वो ऐसी टीम है, उसके लिए तुमको एक साथ एकत्रित मूव करना होगा, उनको लौड़ा फर्क नहीं पड़ता विनीशियस कहां खड़ा है। विनीशियस तो मूव करता रहेगा, वो इनसाइड आ गया, आउटसाइड आ गया, तो ट्रेंट चेस करता रहेगा उसको, नहीं ट्रेंट देखेगा जहां पे बॉल है उसको स्क्वीज करेगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि वो, आई थिंक मोस्टली इट्स अबाउट कि डिफेंडर कौन होगा राइट पे, माटिप या कोनाटे, क्योंकि अल्टीमेटली विनीशियस इन बिहाइंड निकालेगा, एंड बेंजेमा एक सेंटर डिफेंडर को, चाहे वो बेंजेमा को उसको पुल करेगा फिर उसके आगे आएगा, तो वो मूवमेंट काफी होगी। तो इट्स अबाउट रिकवरी रन ऑफ कोनाटे या माटिप। पर्सनली आई वुड स्टार्ट माटिप। आई नो काफी लॉन्डे बोल रहे कि कोनाटे पे ज्यादा पेस है, वो सब बकचोदी, भाई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट, मैं मैड्रिड फैन पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहे, बट माटिप हैज बीन क्रेजी। आई थिंक सर्टन गेम्स में इज बीन बेटर देन वैन डाइक, वो इतना बढ़िया है। प्लस क्योंकि मैड्रिड इतना प्रेस करती है, मैड्रिड प्रेस करेगी हल्का सा, बेंजेमा प्रॉपर आएगा, वो सब बकचोदी, विनीशियस क्लोज डाउन करेगा, इसमें जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज जिस पर आएंगे ऑब्वियसली। अगर तुम्हारे पास एक डिफेंडर है जो कंफर्टेबल है लाइन ब्रेक करने में, खुद बॉल कैरी करने में, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस को बीट करने में, क्योंकि मॉड्रिच क्रूज प्रेस करने आएंगे कभी कभी ऑब्वियसली, उनको बीट करने में जो मैटिप कर सकता है प्रॉपर बॉल कैरी करके, पूरी टीम खुल जाती है। और जो उसमें एक्सपीरियंस भोगता है 2018 में 2019 में सॉरी
जब स्पर्स को रहा था वो फाइनल खेल रहा था। आई डोंट थिंक सो, मुझे पता नहीं, मतलब कोनाटे ऑब्वियसली कर सकता है, वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, चैंपियंस में वो खेलता रहा, आई नो, बट फ्रॉम अ मैंने विनीशियस के अगेंस्ट, आई नो तुमको पेस चाहिए क्योंकि वो पेस में तुम्हारी बुंड फाड़ देगा, बट सर्टन वो ऑफ साइड ट्रैप मेंटेन करना, क्योंकि अल्टीमेटली लिवरपूल का गेम इज नॉट टू चेस, चेस करा तो पिट गए, अगर लिवरपूल तो देखा चेस करे विनीशियस को तो पूरा प्लान चुट गया, तो यानी कि लिवरपूल पिट रही है, बट अगर लिवरपूल ऑफ साइड, ऑफ साइड उनका ऑफ साइड ट्रैप है ना, प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा ऑफ साइड किसने दिए, लिवरपूल ने 100 पता नहीं कितनी, इट्स क्रेजी, उनके नंबर्स आर क्रेजी, वो इस चीज से वेल ट्रेन्ड है, दे वोंट चेंज फॉर नथिंग, दे वोंट चेंज फॉर एनी विनीशियस, उन्होंने प्रीमियर लीग में और बहुत फास्ट भड़वे फेस कर रखे, तो वो तो प्रॉपर इसी मोमेंटम पे रहेंगे, तो मैं उसकी वरी नहीं करता कि नहीं लिवरपूल तो वो नहीं 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 ट्रेंट वर्सेस विनी नहीं है, ट्रेंट वर्सेस मार्टिप, वो इस इनसाइड स्पेस में रहेगा तो कैसे रहेगा, हाँ ऑब्वियसली वाइड में रहेगा, बट खैर एक तो ये बकचोदी, जब लिवरपूल इतना हाई ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन करती है, क्योंकि वो इस पर अल्टीमेटली आ रहे हैं, उसको ब्रेक करना है ना, करना है ना, क्रूज करता है, क्रूज क्रूज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, मोर देन ऑब्वियसली, हम अगर हम इस एनालिसिस पर तो हमारे एक एक प्लेयर को पकड़ के बातें कर लेंगे ऑब्वियसली, बट अगर मैं ऊपर ऊपर से बोलूं तो क्रूज, जो अल्फ्रेडो डी स्टेफानो में गेम हुई थी, लिवरपूल कुड नॉट डील विद क्रूज, उनको लौड़ा नहीं पता क्या कर रहा है वो ड्रॉप, हर कोई टक करता, हर कोई टक करता ना बैक थ्री में, ऐसे बैक थ्री बनाता हर कोई कर रहा था, बड़ी बात हो ना, तो लिवरपूल की फट गई थी, बट लिवरपूल कुड नॉट डील विद, क्योंकि लिवरपूल ऑब्वियसली हाई प्रेस करती है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है इस गेम में, इंपॉर्टेंट होगी, थीबू कोर्तवा, थीबोनी थीबू, वो भड़वा है भाई, नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्स सेविंग, वो सब बकचोदी विद द बॉल, चेल्सी वाली गेम में स्टैमफोर्ड ब्रिज, बेंजेमा ने हैट्रिक मारी थी, कोर्तवा को इतना इन्वॉल्व करा था, बैक पासेस दे दे के चेल्सी को इन्वाइट करा था, हार्विट्स को इन्वाइट करा था कि आओ स्पेस ओपन करो क्रूज के लिए, मॉड्रिच के लिए, वो स्पेस ओपन करना और इन्वाइट करना, और कोर्तवा भाई लोपेटेगी नहीं, आई थिंक क्रेडिट टू लोपेटेगी, जब कोर्तवा नया नया आया था, लोपेटेगी ने जो बॉल ओरिएंटेड मैनेजर है ना, उसने कोर्तवा को बोला था कि भाई तेरे को बॉल पे अच्छा होना है, तेरे पैर चलने चाहिए, और उसने पैर पे उसको अच्छा करा दबा के, तब से कोर्तवा को जो इतना इंप्रूवमेंट हुआ, ही इज द बेस्ट गोलकीपर प्लैनेट में, आई बिलीव इट भाई, भाई वो बॉल पे अच्छा है, उसके सेव्स, वो कंफर्टेबल हो चुका है, वो मिस्टेक्स नहीं करता, वो पॉइंट्स जिताता है अपनी टीम को, भाई नहीं यार, वो मॉडर्न गोलकीपर बन चुका है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग एक अनमॉडर्न फिजिक, अगर ये वर्ड कोई तो बहन चोद, पॉइंट ये, मैड्रिड ने अल्फ्रेडो डी स्टेफानो में क्रूज को पीछे कर दिया, टेक्निकली न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी कर दी, ताकि उनके और प्लेयर्स अट्रैक्ट करें, मोटी पोटी लैंग्वेज में, और प्लेयर्स अट्रैक्ट करें माने, क्योंकि सारा एक लाइन काटते हो यहां से आकर, ताकि नाचो को बॉल ना मिले, फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे करोगे ना मैन ओरिएंटेड प्रेस, ताकि तुम इसको प्रेस भी कर दो और पीछे वाले बंदे को भी बॉल ना आने दो, तुमने दो बंदे काट दिए एक टाइम पे, तो सारा ये करेगा, सर्टन टाइम पे सेकंड वाली गेम में जोटा कासिमीरो को मार्क करता था, फिर क्रूज को जो पीछे था, ताकि उनको पेनिट्रेटिव बॉल ना मिले, एंड माने एक तरह से करेगा, तो ये क्लेवर प्रेसिंग प्रॉपर करेंगे, उनको बॉल चेस करनी क्योंकि उनकी वो है, दिस विल लीड टू ट्रेंट जंपिंग ऑन मेंडी, तो पीछे विनीशियस खाली है, रिस्क लेगी प्रॉपर लिवरपूल, लिवरपूल भड़ गई है, एंड मैड्रिड अट्रैक्ट करेगी, करना चाहिए, आई थिंक कोर्तवा को जितना इन्वॉल्व करा पूरे सीजन ये पैटर्न चलता है, करना चाहिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूज से दे कुड नॉट डील अल्फ्रेडो डी स्टेफानो में, बट सेकंड लेग में, सेकंड वाली जो गेम थी मर्सीसाइड में, उसमें थोड़ा डिसेंट था, मतलब लिवरपूल काफी इंटेंस हो गई थी, बहुत डायरेक्ट विद द बॉल, काफी प्रिसाइज भी हो गई थी, ठीक है, क्रूज की लॉन्ग बॉल्स विनीशियस को पेलना, वो सब बकचोदी, सुपर इंपॉर्टेंट, लॉन्ग बॉल्स एक इंटरेस्टिंग चीज हम देखते हैं, मॉडर्न फुटबॉल है ना, लॉन्ग बॉल्स की मार्केट जो था ना, हर कोई बोलता है कि नहीं शॉर्ट पासेस फुटबॉल है, टिकी टाका फुटबॉल है, ना ना ना, गोल मारना फुटबॉल है, गोल कैसे मारेंगे, ट्रेंट टेक्स द मोस्ट, मैं कहीं पढ़ रहा, ट्रेंट ने इस पूरे सीजन 900 लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्ट करी है, विच इज मैड्रिड में सबसे ज्यादा लॉन्ग बॉल अटेम्प्ट करता है क्रूज, कोर्तवा कसरत करता है 600 500, ट्रेंट को गोलकीपर से ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली वो कम इंटीमेसी में विद द बॉल, क्रूज और ट्रेंट सबसे ज्यादा लॉन्ग बॉल अटेम्प्ट करते हैं लिवरपूल और मैड्रिड से रिस्पेक्टिवली, एंड बड़ी इन ऑफसाइड ट्रैप्स को बीट करने के लिए फाइनल में, जहां पे तुम एक परफेक्ट गेम खेले नहीं आए, जहां पे तुम जीतने आए हो, जहां पे तुमको रिजल्ट निकालना है, यू नीड टू गो डायरेक्ट, सर्टन टाइम पे यू नीड टू गो अग्रेसिव डायरेक्ट, लिवरपूल तो वो है भी ऐसी टीम, हर कोई बोलते हैं कि ट्रेंट भाई लिवरपूल में तो भाई दोनों फुल बैक्स बहुत बढ़िया, आई नो दोनों फुल बैक्स बहुत डेंजर क्रिएट करते हैं, सारा मेन डेंजर वहीं से आता है, बट द डेंजर फ्रॉम द राइट साइड इज डबल, मोस्टली डबल देन फ्रॉम रॉबर्टसन की साइड, भाई ट्रेंट राइट से तुम खुद देखो ना, साला के कितने असिस्ट है, साला के 33 गोल है, उसके 21 असिस्ट है, नहीं सॉरी 17 असिस्ट है,
इट्स क्रेजी. क्यों ट्रेंट भाई उसको पिक करते हैं वहां पे एनबीएन निकालते हैं माने सारा दोनों सेकंड बॉल पिक करते हैं उनको पास बॉल आ जाती है. यही करते हैं बकचोद ने कोई भड़ भड़ वो भसड़ मचाते हैं दे लाइक कियोस एंड आई एम नॉट टॉकिंग वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं खेलते खेलते हैं पर ट्रेंट का राइट फुट इतना प्रिसाइज उसको आगे जाने की जरूरत भी नहीं. एक और गलत टर्म हर कोई एसोसिएट करता है कि लिवरपूल के फुलबैक्स बॉम्ब करते हैं फॉरवर्ड. हाँ एक सर्टन फेज में अगर लुइस डियाज अंदर टक कर चुका तो हाँ रॉबर्टसन आगे जाएगा बट शुरुआत से आगे नहीं जाते वो पीछे स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल ट्रेंट आगे नहीं जाएगा ट्रेंट इन बैंड ट्रेंट टू वी वन नहीं करता कि मंडी को नहीं 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 इतना नहीं करेगा वो बॉल कैरिंग फुलबैक है नहीं. वो बॉल लेगा सर ऊपर का उसने बॉल पिक कर दी मां के चूत गेम खत्म. वो ऐसा बंदा है तो इनको कैसे रोकें प्रेसिंग पे आते हैं क्रूस और ट्रेंट. क्रूस पर भी आते हैं ऑब्वियसली ट्रेंट ट्रेंट के पास बॉल आएगी डीप विनीशियस उसका मार्क करे विनीशियस को उसको क्लोज डाउन करना है. वो उसको कैसे इंटेंसली प्रेस करे कि उसकी लॉन्ग बॉल रुक जाए. पहला या तो तुम सोर्स पे काटो या डेस्टिनेशन या तो तुम उसकी लॉन्ग बॉल को रोक दो या तो उसकी लॉन्ग बॉल जो डाले जहां डालेगा डाले जहां वो डालेगा उसको कॉम्पैक्ट रखो रेडी रखो वो सब चीजें ना. ऑफसाइड ट्रैप ट्रैप काफी कम्युनिकेटेड वेल होना चाहिए क्योंकि अलाबा और मिलिताओ खेलेंगे. मुझे नाचो चाहता हूं मैं खेले पर नाचो नहीं खेलना नाचो ने बहुत बढ़िया करता बस यार बट खैर अलाबा बढ़िया बट मैं थोड़ा टॉपसी टर भी उसकी फिजिकल खैर वो बक्चुबिक जो भी है. ट्रेंट बॉल डालेगा या तुम सोर्स या डेस्टिनेशन. विनीशियस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्फ्रेडो डी स्टेफानो में उस गेम पे वापस बार बार आता जा रहा हूं. जिडान ने यह करा था जिडान ने हाँ विनीशियस को डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ऑब्वियसली आंचलोती भी देगा बाप का राज नहीं है बट उसने यह करा था असेंसियो से काफी इनसाइड स्पेस बुलाया था उसको मतलब टेक्निकली बहुत विंगर से इनसाइड स्पेस प्रोटेक्ट करी थी ताकि फुलबैक्स प्रॉपर अगर बॉल रिसीव करे तो उनको बिल्कुल यूं का ट्रिगर प्रेस करने का और क्रूस मॉड्रिच को बिल्कुल आगे रख दिया ताकि वो बिल्डअप करने में पेनिट्रेटिव पास रखने में उनको रोक दे. जैसे बॉल वाइड गई विनीशियस का जैसे बॉल वाइड गई मतलब ये लिटरली पूरा प्लान था मड्रिड का उस गेम में एंड आई थिंक दिस इज हाउ यू दिस इज राइट वे यू डील विद देम. यू कांट बी लाइक कि भाई विनीशियस तो आ गया ट्रेंट को बॉल मिलने दो पीछे नहीं 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 ट्रेंट बिल्कुल आगे रहेगा बॉल रिसीव करने के लिए. याद है हमने कौन सी जो सिटी वर्सेस लिवरपूल वाला एनालिसिस था उसमें लिवरपूल सिटी के फुलबैक्स आगे थे उनके विंगर से बट लिवरपूल के फुलबैक्स पीछे थे उनके सामने थे विंगर्स के ऑपोनेंट विंगर के क्योंकि ट्रेंट की पूरी गेम ऐसी है क्योंकि तुम रिसीव करते हो अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड साला जो इनसाइड्स या वाइड स्पेसेस में. खैर अभी बहुत बकचोदी करे जो भी बकचोदी विनीशियस का रोल इतना इंपॉर्टेंट है वो जैसे प्रेस करेगा वो कौन सी लाइन काट के आ रहा है इनसाइड या आउटसाइड वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी गेम उससे डिसाइडेड है. एक और जो उसी से कनेक्टेड डिटेल है क्या फेदे वाल्वेर्दे स्टार्ट करे या रोड्रिगो. फेदे वाल्वेर्दे एनी डे उसको स्टार्ट कराओ नॉट ओनली इंटेंसिटी बट क्योंकि विनीशियस वहां प्रेस करने जाएगा पूरी टीम एक तरफ शिफ्ट होगी. फेदे वाल्वेर्दे इज मोर उसके नंबर्स बहुत है ना वो सबसे इंटेंस प्लेयर हो पूरी टीम में सबसे इंटेंस होगा. मैं मैक भी नहीं कर रहा हैंडरसन से ज्यादा इंटेंस होगा लुइस डियाज से ज्यादा इंटेंस होगा एंड राइट पे तो लुइस डियाज भी है. अगर कारवाल की छुतरी होगी तो हमको चाहिए फेदे वाल्वेर्दे चाहिए भाई एंड इट्स नॉट डिफेंसिव मेंटेलिटी इट्स स्मार्ट. यू कांट पुट रोड्रिगो फ्रॉम द गेट गो और वो बुंड फाड़ता आ रहा फ्रॉम द बेंच तो लेट इट बी लाइक दैट. नहीं फेदे वाल्वेर्दे बहुत इंपॉर्टेंट है वही फुटबॉल ऑब्वियसली. विनीशियस की प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट. क्रूस इतना इंटेंस नहीं होता ऑब्वियसली हर किसी को पता है एंड थैंकफुली द नंबर ऑफ प्रेसेस अटेम्प्टेड बाय द मैड्रिड प्लेयर सबसे पता कौन करता है विनीशियस. हर को बोलते हैं डिफेंसिवली तुम नहीं भाई वो भागता है वो बड़वा भागता है तुम उसको नहीं बोल सकते और वो ट्रैक बैक भी कर लेता है ऐसा कुछ वो बकचोदी नहीं है पर उसको ट्रैक बैक इतना कराना भी नहीं ऑब्वियसली वहां पर थोड़ा द पॉइंट इज ट्रैक बैक वाली चीज इतनी बननी चाहिए नहीं क्योंकि लिवरपूल अपने फुलबैक इतने आगे करती नहीं वो डीप रखती है बट तुम कैसे प्रेस ट्रिगल करते आ रहे हो कि या तो ट्रेंट लॉन्ग बॉल ना डाल पाए जो साला माने पे जाएगी क्योंकि वो इन बिहाइंड निकालेंगे फिर पूरी टीम स्ट्रेच कर देंगे ना. वहां पे मिलिताओ अलाबा को साला माने स्ट्रेच कर रहे हैं मिडफील्ड में क्रूस मॉड्रिच कासेमिरो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट. कासेमिरो इतना इंपॉर्टेंट होगा पूरी टीम टेक्निकली स्ट्रेच कर देंगे फिर मे बी थियागो का बॉल अटेंशन के लिए वो एक बॉल मैं काफी उबड़ खाबड़ चल रहा हूं बट कासेमिरो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ट्रेंट विनीशियस को बायपास कर दे लेट से अगला बंदा क्रूस नहीं होगा. क्रूस तो मतलब मे बी आगे अट्रैक्टेड हो हेंडरसन मैन टू मैन जो भी करते हो कासेमिरो उसकी शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. वो भड़वा भी है वो उसी से उम्मीद है मैं नहीं कर रहा उससे उम्मीद है मुझे. अगर ये कोई फाइनल जीतागा ना आई वुड से कासेमिरो या फिर अलावा मैं एक्सपीरियंस हूँ मैटर में बहुत ऑब्वियसली पेल किया बेंजेमा ऑब्वियसली पाएंगे बट डिफेंसिवली गंदी हरकतों की बात कर रहा हूँ मैं. आई एम नॉट टॉकिंग इंजर्ड कर समझ रहे वो स्मार्टनेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार. और लिवरपूल भी एक्सपीरियंस नहीं मैंने लिवरपूल अब भड़वे थोड़ी लिवरपूल बच्ची थोड़ा ना. अगर तुम 2018 की का फाइनल देखो लिवरपूल लिटरली बच्ची लग रही थी छोटी बच्ची होकर लग रही थी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा.
लिवरपूल ऑब्वियसली साला की इंजरी के बाद बिल्कुल मॉरली डाउन हो गई थी, अग्रीड, बट दे लुक लाइक किड्स. एक्सपीरियंस नहीं था, पहला फाइनल था चैंपियंस लीग का इन सब राउंडों का मोस्टली. अब वो खेल चुके, अब वो जीत चुके लिवरपूल का, अब वो पास पास आते हैं, अब वो प्रीमियर लीग के. और 2018 वाला जो 19 वाला फाइनल था स्पर्स वाला, उसमें मोस्टली सेम ही प्लेयर्स, बस जीनी वाइनाल्डम गया है और कौन गया बहन चोद, मतलब मोस्टली वही क्रक्स सेम है. फर्मिनो ने तो मे बी माने, लुइस डियाज स्टार्ट कर देंगे, फिर जोटा, मोस्टली क्रक्स सेम है. तमीज से जैसे कॉल आ रहा चूतेगा, बट जो कह रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार. डर लग रहा है यार, बहन चोद बहुत मरेगी. पर तुम्हें पॉइंट समझ ना कि तुमको शिफ्ट करना है इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिवरपूल स्विच मारेगी, लिवरपूल मार देगी स्विच. लिवरपूल टीम है डायरेक्ट, लिवरपूल मारे 96 गोल्स, लिवरपूल ने स्कोर करे 91 पॉइंट्स, लिवरपूल ने कंसीड करे 26 गोल्स. क्रेजी नंबर्स. 91 पॉइंट्स में एवरी टीम विंस द प्रीमियर लीग, बट वो नहीं जीते क्योंकि 91 थे, हाइट नहीं थे, क्योंकि मैन सिटी एक पॉइंट आगे थी भड़वी यार. ये टीम भाई यार, ये चोट देगी यार, मुझे डर लग रहा है लिवरपूल से यार. आई एम नॉट अंडरस्टिपिंग मैड्रिड, ऑब्वियसली मैड्रिड का मेन स्ट्रेंथ मैड्रिड बिल्डअप करेगी ना, मोस्टली बिल्डअप करती है वो सब. कोर्ता से अट्रैक्ट करा, उनकी प्रेस को इन्वाइट करा, फिर अगर क्रूस मॉडरिच रिकवरी प्रॉपर ने 2-3 हफ्ते के आराम से ले लिया अच्छी तरह, बिल्कुल रेस्ट वेस्ट दबा के, दे शुड बी शार्प इन टर्म्स ऑफ प्रेस को बीट करा, बेंजेमा फाइंड करा, वही ना, वो तुमको पता है, तुमको पता है, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अच्छी तरह, अच्छी टाइमिंग पे, शार्प मूवमेंट, बॉडी ओरिएंटेशन पे कर दे तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बट डर लग रहा है यार, लिवरपूल अग्रेसिव यार, लिवरपूल भी यार, लिवरपूल पता है लिवरपूल मैड्रिड जैसी है, लिवरपूल मेंटालिटी मॉन्स्टर, लिवरपूल भी वैसी टीम है यार, लिवरपूल नहीं है वो बच्ची टीम, लिवरपूल वही भड़वी टीम है. दिस इज नॉट एक, आई एम नॉट सेइंग पीएसजी, दिस इज, उनको डिसरिगार्ड नहीं कर रहा, पीएसजी तो करूंगा ऑब्वियसली बैन चोट, बट वो ऐसी टीम है यार, दे नो समझ लो उसको, मैं डिफाइन नहीं कर सकता, दे नो, उन्हें पता है वो कैसे कंट्रोल करते हैं, क्लॉप को पता है यार. बट हेंडरसन खेलना चाहिए ऑब्वियसली, फबिनियो खेलेगा मेरे ख्याल से, तो अगर थियागो खेलेगा भी तो केता खेलेगा, मतलब थियागो इंपॉर्टेंट, आई नो बॉल टेंशन में पूरे डायनेमिक चेंज होंगे, आई नो, बट बात उसकी नहीं, आई डोंट थिंक सो फाइनल में तुम, आई नो टैक्टिकल चीज है, बट टैक्टिकली यू कैन हार्डली लूज द गेम. एक फाइनल में अगर एक टीम टैक्टिकली हार गई तो कितना चूतिया कोच था, तुम ये नहीं बोलोगे कि इनसे ये नहीं, ये कंट्रोल नहीं हुआ, हफ्ता था इन्होंने 50 मैच देखने होंगे, देख नहीं पाए, तो वो बात है नहीं. बात वो नहीं कि विनीशियस प्रेस करेगा ट्रेंड, वो बात नहीं, गुदा गुदा वो मैनेजमेंट, गेम मैनेजमेंट प्लेयर्स की, वो सब्सटीट्यूशन, 5 सब्सटीट्यूशन ऑब्वियसली, तो लिवरपूल को तो प्रॉपर हेल्प है. आई एम नॉट जिंक्सिंग इट, बट ये फाइनल क्रेजी है भाई, मेरा खड़ा हो चुका है इसका, मैं वेट कर रहा हूँ भाई, आई एम नॉट नर्वस, मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मेरा मूड निकल रहा है, मैं वैक पे निकल रहा है, मैं एक्साइटेड हूँ. और क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने के मुझे पता भी नहीं, बहन तो मैंने कितनी चीज़ें बनाई थी, बट ऑन द मोमेंट मैं एडिट करने वाला हूँ इतना इस वीडियो को, बट जो भी बक्चो भी है. और क्या बोलने को है, माने बोल रहा मैड्रिड आएगा या फिर साला आएगा, ना आए भाई, दोनों में से आए. एक तो एम्बाप्पे के सागा के बाद, उसकी माँ की चुत, पहली बात तो एम बम्बे की, एम पेपैल की, मैं और अटैच हो गया मैड्रिड से. मतलब अगर मैड्रिड ये फाइनल हारती है, मतलब ऑब्वियसली मैं रोऊंगा तो नहीं, मतलब ऑब्वियसली, बट मैं लाइक समझ रहा, मैं और अटैच हो गया, मतलब ऑब्वियसली मैं पहले भी अटैच था, बट मैं और इन्वेस्ट हो चुका हूँ, मुझे और मैड्रिडिज्मो की फीलिंग आ रही है. तुम बुरे टाइम पे तो ये होता है भाई, बुरे जब तुम्हारे क्लब के बुरे टाइम टेक्निकली ऐसे चल रहे हो, इस सेंस में तुम जब तुमको डॉक्स कर दे इंटरनेशनल लेवल पे बहन चोद, जिसे तुमने इतने साल से उम्मीदें बना रखी थी, बुरा टाइम होता है, और तुम फिर और अटैच होते हो रोड्रिगो से, तुम और अहमियत समझते हो विनीशियस की, समझ रहे हो कि ये अच्छे बनते हैं, जितनी बार विनीशियस बैच को किस करता है वो इंपॉर्टेंट है. लिवरपूल का भी सेम है, लिवरपूल का भी सेम है यार, लुइस डियाज बुंड फाड़ देगा. कारवाल को एम्बाप्पे ने कितना चूदा था, या कारवाल को हर कोई पीटता यार, या लुइस डियाज तो बुंड फाड़ देगा स्विचेस विचेस पे ऑब्वियसली यार. वही पॉइंट है कि मैड्रिड अग्रेसिव प्रेस तो नहीं करेगी, मैड्रिड सॉर्ट ऑफ, हाँ काउंटर प्रेस अच्छी बिल्कुल शार्प रहेगी ऑब्वियसली, डीप तो नहीं बैठेगी ऑब्वियसली, क्योंकि पीएसजी अगेंस्ट वो करा था, हर किसी को पता लग गया था, मैड्रिड रहेगी वहां पर, रहेगी फेस टू फेस रहेगी ऑब्वियसली, एंड मैड्रिड इंटेंस होगी, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, मैड्रिड इंटेंस होगी. इट्स ऑल अबाउट वाज डिसीजन मेकिंग, स्प्लिट डिसीजन मेकिंग, वो सब बकचोदी, क्योंकि लिवरपूल भी इन बिहाइंड निकालती है, मैड्रिड भी इन बिहाइंड निकालती है एक साइड से, फेदर वर्दी बॉल कैरी करेगा. मैड्रिड का मेरा भाई, मैड्रिड का पता मेन गेम कब स्टार्ट होगा, 75 मिनट के बाद. मैड्रिड के मोस्ट ऑफ द गोल्स हैव बीन स्कोर्ड 75 मिनट्स के बाद, जब कामाविंगा आता है, जब रोड्रिगो आता है, तभी मेन गेम होगा. मैं बस चाहता हूं तब तक गेम हाथ से निकलना जाए, क्योंकि चैंपियंस लीग जीतनी है, जीतनी है, हवस है, हवस है, मुंह में से लाल टपकड़ी है, साला को तोड़ना है, नहीं 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 साला को भी तोड़ना है भाई. भाई इट्स अ ग्रेट गेम, एंड आई थिंक लिवरपूल आर फेवरेट्स. भाई यू कांट प्ले दिस टारगेट कि भाई मैड्रिड तो यार उनको पता है, भाई लिवरपूल को भी पता है, लिवरपूल बच्ची नहीं है, लिवरपूल छोटी बच्ची नहीं है, लिवरपूल को पता है, दे नो 3 चैंपियंस लीग फाइनल 5 साल में, मुझे पता नहीं 2, क्रेजी क्रेजी.
वो टीम ऐसी है यार। खैर, पेरेज और सेफरिन, पेरेज का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पेरेज और सेफरिन, नासर अल भड़वा खलेफी पेरिस में मौजूद होगा। रामोस तू भी होगा? रामोस प्लीज पीछे बैठ जाइयो पीछे बैठ जाओ, मैं तो कह रहा हूँ साला के बहन चोद यार, कर दे यार कुछ, टोट के वोट के कर दे भाई, जीतना है यार। देसीमा को, देसीमो ला देसीमो को हारता जीतना है यार, ला देसीमा को हारता। हाँ मैं भूल गया, मैं तो स्पेनिश का कोर्स भी कर दे बहन चोद। खैर भाई चलते हैं, और कुछ बोलने को है नहीं, मैंने बहुत लंबी वीडियो कर दी है। दिस इज द गेम भाई, दिस इज द गेम, द चैंपियंस लीग फाइनल। आखिर चूत यार, मैं प्राउड दूंगा यार, बड़ा गेम फाड़ हो गया गेम बहुत भाई। दिस इज विल बी मतलब गेम फाड़ मे भी नाउ, बट लाइक समझ रहे हो इसकी हाइप बहुत खतरनाक है भाई, बहुत भाई। दिस इज द बिगेस्ट गेम फुटबॉल में, कम ऑन। मतलब मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल, कम ऑन भाई। लाइक अगर चैंपियंस लीग की बात करें तो मिलान वर्सेज मैड्रिड माइट बी द बिगेस्ट, 7 और 13, बट 6 और 3 भाई यार। प्रेडिक्शन जाननी है तुमको, अल्टीमेटली तुमको प्रेडिक्शन जाननी है। लिवरपूल 3-1।